हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फातिमा, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर फातिमा स्पेशल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा तुरई का प्लांट है, और देखिए कितना कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो कुछ पत्ते यहाँ येलो भी हो गए हैं, बट हमारी तुरई जो है वो अभी तक बहुत अच्छे से आ रही है। देखिए, हर उसमें आपको तुरई मिल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छे से तुरई आ रही हैं, और कई तुरई यहाँ लगी हुई हैं फ्रेंड्स, बड़ी हो गई हैं। तो हमें आज उसे हार्वेस्ट करना है, तो आज हम हार्वेस्टिंग वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े तुरई हो गए हैं। पीछे देखिए, यहाँ भी कितना बड़ा तुरई लगा हुआ है। तो यहाँ ढेर सारी तुरई लगी हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी। तो इन्हें हार्वेस्ट करना भी फ्रेंड ज़रूरी है, वरना ये ख़राब हो जाएंगे और किसी यूज़ में नहीं आने वाले हैं। और देखिए कुछ ये यहाँ लगे हुए हैं, वो देखिए आप वहाँ देख पा रहे होंगे, वहाँ भी तुरई लगी हुई है। तो चलिए, बगैर वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं अपनी हार्वेस्टिंग। यहाँ देखिए छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ कितने बड़े ये तुरई है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा मोटे भी हो गए हैं, लेकिन अब क्या करें, इनको तोड़ना तो पड़ेगा ही, भले से यूज़ में आए या ना आए। और काफ़ी तुरई निकल रही है माशाल्लाह से, हमारे यूज़ में इतनी नहीं आती है जितनी निकल रही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हार्वेस्टिंग वीडियो, कर लेते हैं इसे हार्वेस्ट। तो ये हमारी फर्स्ट तुरई है जिसे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया है। और भी तुरई करते हैं हम हार्वेस्ट। अभी यहाँ एक पतली सी ये तुरई लगी है, तो हम इसे भी हार्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम भरवा तुरई बनाने वाले हैं। तो भरवा तुरई में ये ऐसे तुरई यूज़ होते हैं, तो आज हम इसको भी हार्वेस्ट कर लिया है। चलिए और तुरई हार्वेस्ट करते हैं। एक तुरई ये है फ्रेंड, इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे तरीके से। और यहाँ देखिए एक तुरई ये है, इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, भले से यूज़ में ना आए फ्रेंड्स हमारे लिए, बट हमें हार्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। देखिए, और ये एक तुरई है जो यहाँ ग्रिल के उस साइड लगी हुई है, तो इसको हम हार्वेस्ट कैसे करें एक हाथ से? अच्छा चलिए, दोनों हाथ से कर। तो ये देखिए काफ़ी टाइट भी हो गई है, और तोड़ते भी नहीं बन रही है फ्रेंड्स। ये देखिए एक और तुरई अभी लगी हुई है उस साइड, ये देखिए ये तो भी हम तोड़ लेंगे। एक देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी हो गई है, तोड़ने का मन नहीं है बट तोड़ना तो पड़ेगा ही फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसको भी हमने तोड़ लिया है। तो ढेर सारी तुरई जो हैं हमने हार्वेस्ट कर ली हैं, और जिनमें से कुछ हमारे यूज़ की हैं और कुछ यूज़ की नहीं भी हैं। और एक ये तुरई है, इसको भी हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। और चलिए आगे और देखते हैं हमारा आज का वीडियो, हार्वेस्टिंग वीडियो। और देखिए यहाँ कितनी ढेर सारी हमने तुरई हार्वेस्ट कर ली है, इसमें से ये कुछ तुरई हमारे यूज़ की नहीं है, और ये दो तुरई, एक ये तुरई, ये दो तीन तुरई जो हैं वो हमारे यूज़ की हैं, बाकी हम यूज़ नहीं करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो ये थी हमारी तुरई हार्वेस्टिंग वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम ज़्यादा कुछ खाद वगैरह भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं रख रहे हैं, उसके बावजूद देखिए कि इतनी तुरई हर एक दो दिन तीन दिन में निकल आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में तुरई अगर लगाए हो तो हार्वेस्टिंग कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और नेचुरल जो सब्ज़ियाँ खाने को मिलता है केमिकल फ्री, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो ये थे हमारा तुरई का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, अपने अपनों का।